वेलकम जोशी जी मोशंस। आज हम सीखते हैं एलेम्बिक कैसे कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इस सेलेक्ट करेंगे इस कंट्रोलर्स को, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, अब पैरों से सिलेक्शन कर देंगे। अगर मान लो आपका यहाँ पे मैच है और उसको सेलेक्ट करना है, तो वहाँ आप पैरों आपका पूरा काम करेगा। आप डाउन एरो देख सकते हैं, आप जाइए, ठीक है, खासकर आप पैरों। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे कैशे में। कैसे मैं यहाँ पे अभी देखो एलेम्बिक कैसे शो कर रहा है, बट अगर नहीं शो करता है तो यहाँ विंडो में जाते हैं, सेटिंग्स के अंदर यहाँ प्लगइन मैनेजर है। प्लगइन मैनेजर में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है एबीसी एक्सपोर्ट, ठीक है, एबीसी एक्सपोर्ट के नाम से ये दोनों ऑन कर लेना है, ठीक है, ये दोनों ऑन कर लेंगे। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे कैसे, कैसे में एलेम्बिक कैसे यहाँ पे हम जो सिलेक्शन कर रखे हैं, मतलब एक्सपोर्ट सिलेक्शन एलेम्बिक के बॉक्स में ऑन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी अपना टाइम लाइन है इसके अकॉर्डिंग हम अपने इस पर काम करेंगे। जस्ट यहाँ पे एक बार चेक करते रहना है कि हमको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट्स करते हुए पूछेगा कहाँ पे इसको सेव करना है, तो मैं यहाँ पे एक डायनो नाम से एक फोल्डर बना हुआ है पहले से, मैं इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देता हूँ और एनएम के नाम से एक सेव करता हूँ डॉट एलेम्बिक फोल्डर में, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट करते ही यहाँ पे देखोगे आप फाइल एक्सपोर्ट के लिए तैयार है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कहाँ पे, मैक्स फाइल में। मैक्स में जाएंगे हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट में जस्ट मेरा एलेम्बिक फाइल है ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूवी नॉर्मल वर्टेक्स कलर एक्स्ट्रा चैनल्स, ठीक है। अगर ये सब की विजिबिलिटी ऑन रहेगी, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज ऑन रहेगी, कस्टम एट्रीब्यूट्स ऑफ कर सकते हो अगर चाहते हो तो। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, ये मेरा एनिमेशन आ गया, ये देखो, ठीक है, ये मेरा एनिमेशन आ गया। हम इसको अब आराम से, बट हम इसके कंट्रोलर्स को एनिमेट नहीं कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे देखो आप सेलेक्ट करोगे एक ऑप्शन आएगा एलेम्बिक के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके और इसको एनिमेट कर सकते हो, देखो ये देखो, यहाँ से आप चाहो तो इसको एनिमेट कर सकते हो, ठीक है, एक पार्ट पे एनिमेट कर सकते हो। सेम यही प्रोसेस हमको अगर करना हो तो हम ब्लेंडर में भी यही करेंगे। फाइल के अंदर जाएंगे, ठीक है। फाइल के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और डॉट ए बी सी फॉर्मेट में सेम वही प्रोसेस जैसे हम डेस्कटॉप पे गए और जस्ट एनिमेशन का जो अपना फॉर्मेट है उस पर हम अपलोड कर लेंगे। तो ये देखिए ये कंट्रोलर के साथ आएगा, बट ये वर्किंग नहीं रहता, ये कंट्रोलर वर्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप आराम से इसको एनिमेशन चेक कर सकते हैं कि एनिमेशन आ जाएगा, ठीक है। ये फाइल ज़्यादा हैवी नहीं होती और ज़्यादातर जगह पे ये प्रोडक्शंस में यूज़ होती है। Thanks for watching.